गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा इस ब्लॉग के लिए। तो फाइनली आज ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और आज आपको ब्लॉग मिल जाएगा। एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वायरल हो गया था, वायरल फीवर हो गया था। उसके बाद पहले ना इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मुझे हो गया, उसके बाद माही को हो गया, कल से अद्विक को भी फीवर है। तो पूरा घर ले लिया है वायरल फीवर ने। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली का ध्यान रखना। और हाँ, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम लोगों ने जंजीरा फोर्ट पे एंजॉय किया, जंजीरा फोर्ट देखा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। ये है जेट की, आपने अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। इसे जेट की बोलते हैं और ना इसमें पूरी गाड़ी चढ़ जाती है, आप गाड़ी के साथ इसमें बैठ सकते हो, और मतलब बड़े बड़े ट्रक भी आ जाते हैं इसमें। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये समुंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए होती है, जैसे कि जहाँ से आप गाड़ी भी इसमें रख सकते हो, अंदर लेके आ सकते हो, बड़े बड़ी गाड़ियाँ भी लेके आ सकते हो। यहाँ पर ऊपर का जो सेक्शन होता है वहाँ पर आप बैठ सकते हो, मज़ा ले सकते हो समुंदर का। उसके बाद वहाँ से हमारी गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हो गाड़ी हम लोग अंदर लेके आएंगे। उसके बाद ये जेट की स्टार्ट होगी और ये लेके जाएगी हमें दूसरे किनारे पे। अगर हम लोग जेट की नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता हो जाता हमारा, तो इसी वजह से ये जेट की का सहारा इसीलिए लेना पड़ता है, ताकि आपको ज़्यादा घूम के ना जाना पड़े, आप अपनी मंजिल पे सीधे सीधे पहुँच जाओ, मतलब समुंदर के रास्ते से। तो इसी वजह से ये जेट की का सहारा आपको लेना पड़ेगा, और इसके कुछ कॉस्ट पे करने पड़ते हैं, जैसे कि पर पर्सन और गाड़ी का भी चार्ज मिला के 630 रुपीज़ हमें पे करना पड़ा था यहाँ पे। और ये एग्जैक्ट अमाउंट इसी वजह से याद है क्योंकि हमारा ना हमने ग्रुप बनाया था, मतलब जो टूर का ग्रुप होता है, वो सारे जो टूर में आए थे लोग तो उसमें वो सारे ऐड थे, और जो भी खर्चा आता था मतलब हम लोग ना वो ग्रुप पे डाल देते थे। इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो याद है, एग्जैक्ट जो प्राइस हमने पे किया था वो याद है हमें, 630 रुपीज़ पे करना पड़ा था यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे देवगढ़ के लिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टे था वो देवगढ़ में होने वाला था, और देवगढ़ के लिए हम लोग निकल चुके थे। रात को ही हम लोग ना देवगढ़ पहुँच गए थे, और देवगढ़ में जाने के बाद हम लोग रात को स्टे करते थे। आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग स्टे करते थे और तीन रूम्स ले देते, एक रूम जेंट्स के लिए और दो रूम लेडीज़ के लिए, ताकि लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब उनको नहाने वहाने में टाइम लगता है, बाल वाल वॉश करने में टाइम लगता है, तो इसी वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोगों ने दो रूम्स लेडीज़ के लिए रखे थे। तो ये है हमारे आज के रूम, और मैं ना आते ही मतलब आज थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे, इसी वजह से मैं आपको रूम टूर दे पा रही हूँ। तो ये है रूम की बाथरूम, बाथरूम भी अच्छी खासी स्पेशियस थी, और उसके बाद रूम भी अच्छी खासी स्पेशियस थी, और टीवी वगैरह था, एसी वगैरह भी था रूम में। और हाँ, इसके जो चार्जेस लिए थे उन्होंने आई थिंक 1200 या 1500 ऐसे ही कुछ तो भी लिए थे, और हम लोग गद्दे अलग से लेते थे, तो यहाँ पर हम लोगों को ना गद्दों के पैसे अलग से देने पड़े थे। तो इसी का डिस्कशन चल रहा है, उनको गद्दे मांगने हैं और ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो अभी रूम अच्छा है तो आपको रूम टूर दे देती हूँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, हम जल्दी पहुँच गए थे इसीलिए। वैसे हर जगह पे मैं रूम टूर नहीं दे पाई थी आपको, क्योंकि क्या हुआ था कि हम लोग कभी रात को 2 बजे 3 बजे भी पहुँचते थे, तो इसी वजह से इतने रात को तो आँखों में नींद ही भरी रहती थी, इसी वजह से मैं कुछ जगह आपको रूम टूर नहीं दे पाई। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, एक्चुअली सब सामान वगैरह सब कुछ हमने रूम पे रख दिया था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे खाना खाने के लिए। रूम वाले ही बता रहे थे कि जल्दी जाओ नहीं तो फिर खाने का बंद हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, क्योंकि हम लोग ना लेट पहुँचते थे, तो हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मतलब क्या होता था कि हम लोग एक जगह से ही लेट निकलते थे, दूसरी जगह बहुत लेट पहुँचते थे, फिर इतने रात को थोड़ी ना कोई होटल्स वगैरह ओपन रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था हमें खाने पीने का। उसमें भी हमारे फैमिली मेम्बर्स कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन थे, उसमें भी प्रॉब्लम होता था। मतलब नॉन वेज तो वहाँ पर बनता ही है, बहुत ज़्यादा नॉन वेज ही खाया जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वेजिटेरियन वालों को प्रॉब्लम हुआ था। बट कोई बात नहीं, होता ही है यार, हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये चीज़ें सारी फेस करनी पड़ती है। और बस यहाँ पर हम लोग बैठ जाएंगे। मैंने ना आज
वेज ही मंगाया था, तो वेज में क्या क्या था? ये आलू की सब्जी थी, उसके बाद ये मिक्स वेज थी, आलू की सब्जी या पता नहीं, और दाल, और क्या बोलते हैं, रोटी, तो ये सारी चीज़ें, और ये पापड़ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, पिंक वाला पापड़, तो सब लोगों ने फास्ट फास्ट उठा लिया, और ये सोल कढ़ी, तो ये सारी चीज़ें थी वेज में। और उसके बाद नॉन वेजिटेरियन यहाँ पर बैठे थे, तो ये नॉन वेजिटेरियन वालों का खाना, फिर ये है, कुछ लोगों ने फ़िश ऑर्डर की थी, कुछ लोगों ने चिकन ऑर्डर किया था, तो ये चिकन और फ़िश वालों का भी दिखा देती हूँ। तो ये है यहाँ पर फ़िश, और उसके बाद दूसरी फ़िश ऑर्डर की थी, तो वो फ़िश के नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे ही इतने ज़्यादा नहीं पता है फ़िश के नाम। तो ये है फ़िश प्लेट, मतलब फ़िश थाली, और ये यहाँ पर फ़िश थाली है, उधर चिकन था, तो वो चिकन थाली उन्होंने खा ली थी। तो ये सारी चीज़ें, ये पापलेट, और उसके बाद सुरमई और पापलेट, उतना ही नाम मुझे पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर हम लोगों का खाना वगैरह हो जाने के बाद हम लोग आ गए थे हमारे होटल रूम्स पे, तो होटल तो नहीं बोल सकते हैं, ये घर ही है, मतलब घर को ही रेंट पे देते हैं ये लोग, जितने भी दिन के लिए चाहिए उतने दिन के लिए। और रेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, 1500 से 1200 से 1500 तक ही देना पड़ा था हमें एक रूम का, इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ा था। बस अभी जा रहे हैं हम लोग बीच पर, और सब लोग रेडी हो रहे हैं। मैं सबसे लेट लेट रेडी होती हूँ यार, और यहाँ पर हमारे कपल का फोटो सेशन हो रहा है तो बीच पर जाने के लिए सब लोग रेडी हो गए हैं और बस निकलने ही वाले हैं। सबसे पहले इनका फोटो सेशन होता है उसके बाद सब कुछ। चलिए चलते हैं वहाँ पर, जाके दिखाती हूँ आपको क्या क्या होगा। यहाँ पर सब लोग पहले ही रेडी होके बाहर आ गए थे। हम लोग लेडीज़ ही सबसे लेट करती है, हर बार लेडीज़ लेट करती है, इस बार भी लेडीज़ का ही लेट हुआ, जेंट्स तो पहले ही आ जाते हैं बाहर रेडी होके। नाश्ता करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, नाश्ता करने के लिए टाइम नहीं है। उधर जाएंगे बीच पे और उधर से आने के बाद नाश्ता करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी, रेडी होने में ही टाइम चला जाता है पूरा। यहाँ पर डेली का ही रहता था हमारा, जैसे कि पहले हम लोग रेडी होते थे, उसके बाद जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है ना यहाँ पे, तो हम लोग फ़ोटो सेशन वगैरह करते थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद हम लोग फिर निकल जाते थे हमारे जहाँ पर भी हमें जाना है, जैसे कि बीच पर जाना है या कहीं जाना है, तो हम लोग वहाँ पर निकल जाते थे फ़ोटो सेशन वगैरह होने के बाद। चलिए क्विकली आज का लुक दिखा देती हूँ आपको मेरा। पहुंच गए हैं हम यहाँ पे देवगढ़ बीच पे, और आते ही बस फ़ोटो सेशन वगैरह ये वो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाए, उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और जहाँ देखो वहाँ बीच तो आपको सेम ही दिखेंगे, बीच का कोई अलग नज़ारा तो होता ही नहीं है। और ये है स्टार फिश जो हमें मरी हुई दिखी थी, तो मैंने कैप्चर कर ली। और ये है अपना चैनल जो कि है इंडियन मॉम कंचन, जो हमारा चैनल है। और देखिए ये यहाँ पर नेम लिखा था मैंने ना, ये कवर फ़ोटो के लिए भाई को बोला था, ये मेरे मासी के बेटे ने मुझे बना के दिया था कवर फ़ोटो के लिए, और पीछे से पानी आया था तो पूरा मिट भी गया था,
ना तब तो फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिए थे उसने, और ये हम लोग इंजॉय कर रहे हैं पानी में। इसके बाद ना वो जो गाड़ी होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, ये गाड़ी हमने राइड ली थी ये वाले, तो ये माही ने और उसके मामा ने पहले ली थी और हमने फिर बाद में ली थी। बहुत अच्छा लगता है राइड लेके, बट ज़्यादा मतलब देर घुमाते नहीं है वो, बस ये बीच के किनारे से उधर दूसरे बीच के किनारे तक बस लेके जाते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो आप, वीडियोज़ वगैरह ले सकते हो, मेमोरीज रहती है, ये बस उसके लिए ही है, ज़्यादा कुछ एंजॉय नहीं होता है इसमें। और ये पर हेड आई थिंक 200, और अगर दो लोग बैठ रहे हैं तो ये 300 इनका चार्जेस है। और बस यहाँ पर हम लोगों ने ये राइड्स वगैरह ली, और इस कोने से बस दूसरे कोने तक लेके जाते हैं और वापस लेके आते हैं, तो बस इतना ही होता है इसमें। बट मज़ा आता है यार, कोई बात नहीं, हम लोग आया है तो कुछ ना कुछ एंजॉय करके जाना चाहिए। जैसे ये राइड्स हो गए, और बाकी का जो वाटर स्पोर्ट है तो वो तो हमारा तारकली में होने वाला है, तो वो तो सबसे लास्ट वाले व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा तारकली वाले, तो उसमें आपको सारे वाटर स्पोर्ट देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उस दिन तो हमने, बट इस दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों ने ये वाले थोड़ी सी राइड्स वगैरह ली यहाँ पर, अच्छा लगा यहाँ पर भी। और लास्ट वाले में ना ये हम लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे, ये वाला इंस्टाग्राम रील्स देखा होगा आपने अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो किया है तो, अगर नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं, आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और इस वाले बीच पे तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स बनाए हैं मैंने, आपको वो तो इंस्टाग्राम पे ही देखने के लिए मिलेंगे। और बस इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे हमारे होटल रूम्स पे, तो ये पहुंच गया है यहाँ पर हमारे होटल रूम पे हम लोग, और उसके बाद नहा लेंगे। पूरी बालों में रेत रेत ही हो जाती है क्योंकि आप अगर बीच पे एंजॉय करते हो अंदर पानी में तो बहुत ज़्यादा रेत चली जाती है आपके बालों में, और उसके बाद तो पक्का आपको हेयर वॉश करना ही करना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी रेत चली जाती है ना कि आपको क्या बताऊँ। और हेयर वॉश करने के लिए काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से हमें ना जब भी बीच से आते थे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था नहाने वहाने में, और उसके बाद रेडी होने में, और फिर निकल जाते थे हम लोग दूसरी जगह पर जहाँ पर हमें जाना होता था। तो वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने के लिए मिलेगा। इस टूर में किसी ने एंजॉय किया होगा या नहीं पता नहीं, बट अद्विक ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत मस्ती कर रहा था अद्विक। और यहाँ पर एक टूर मैं आपको बाहर का भी दे देती हूँ इस होटल का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये भैया हमारे वो है ड्राइवर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ पूरा लुक यहाँ का, मतलब बाहर का। सबसे ज़्यादा हम लोगों ने फ़ोटोज़ यहीं पर क्लिक किए थे, तो इसीलिए चलिए देख लीजिए आप। आई होप हमने जैसे इंजॉय किया है वैसे आपने भी इस ब्लॉग को देख के इंजॉय किया होगा। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, उस पर इंस्टा के लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, उसमें आपको सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे व्लॉग के अलावा, जो हमने इंजॉय किया है व्लॉग के अलावा वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंस्टा पे, आप ज़रूर फॉलो करना वहाँ पे। और यहाँ पे जो देवगढ़ बीच पे रील्स बनाया है वो भी आपको वहाँ पर ही देखने के लिए मिलेंगे, पक्का आपको पसंद आने वाले हैं, एक बार लिंक को क्लिक करके ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, यहाँ पर कहाँ जा रहा है वो भी दिखा देती हूँ सब लोग, यहाँ पर हम लोग पैर और हाथ धोने के लिए जा रहे थे क्योंकि रेत से भरे हुए पैर थे सब लोगों के, तो बस यहाँ पर हाथ पैर धो लेंगे उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाएंगे।